Are you ready, guys? Namaskar, yes, sir. We are ready. We are ready to move. Bella, I'm ready. ये हमारा रूम. जादव जी तैयार हो रहे हैं. हो गए हैं बल्कि. Good morning. Welcome to my channel, Sanjay Savan. हम अभी वडकरा में हैं. वडकरा से आगे आज साइकिलिंग करेंगे. ये होटल है श्री मनी टूरिस्ट. यहाँ हम लोग कल रहे थे सेकंड फ्लोर पे. ये हमारा सबसे राइड के दरमियान सबसे कॉस्टली और महंगा होटल है, पर अच्छी सुविधा थी. यहाँ हम साउथ इंडियन डिश खा के बहुत मज़ा आ रहा है. कल रात को भी हमने डोसा उत्तप्पा खाया, बहुत मज़ा, अच्छी नींद आई. सुबह 4 बजे नींद खुली और हमने अपनी तैयारी करके अभी हम बाहर निकलने वाले हैं. बहुत सुंदर लग रहा है. सबका दिन शुभ हो. Your reaction? Every action has reaction. Equal and opposite reaction. In same manner. So today we are moving towards Kozhikode. This is the morning breakfast. Very tasty dal vada. Thank you. आज हम हरिपैद में आए हैं और इस होटल में रह चुके हैं. होटल जीना. सामने जो होटल नज़र आ रहा है उसमें हम रुके हैं. अभी यहाँ से आगे की ओर यानी कन्याकुमारी की ओर 215 किलोमीटर अभी बाकी है यहाँ से. स्वामी टेम्पल. यह मंदिर केरला स्थित मंदिरों में से एक पुरातन वास्तु है जो श्री सुब्रमण्य स्वामी को समर्पित की गई है. यह माना जाता है कि यह मंदिर कलियुग पूर्व काल में भगवान परशुराम द्वारा बनाया गया है. इस मंदिर में अंदर जाने के लिए कमर से ऊपर नग्न होकर जाना पड़ता है. अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना मना है. मन्नरशाला नागराजा टेम्पल. भगवान शिव से संबंध होने के कारण सनातन धर्म में सांपों की बहुत मान्यता है. हर शिव मंदिर में नाग की प्रतिमा मिल ही जाती है. मन्नरशाला नागराजा मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि जहां एक या दो नहीं पूरे 30,000 नाग है. मन्नार टेम्पल के नाम से भी यह मंदिर प्रसिद्ध है. यह मंदिर नागराजा और नाग यक्षी को समर्पित है. हर मंदिर में जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ नाग की प्रतिमा ही दिखाई देती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार क्षत्रियों के वध से मुक्ति पाने हेतु भगवान परशुराम ने इस नाग क्षेत्र का निर्माण किया. मन्नारशाला का यह मंदिर अलपुजाहा शहर से 40 किलोमीटर अंतर पर स्थित है.
चलो एक बंदा तो अपने साथ जुड़ गया हाँ? चलो क्या हुआ, चलो हमारे साथ चलते हैं। कोलम बाईपास से अभी हम जा रहे हैं, एक रास्ता कोलम की ओर जाता है सिटी, और कोलम बाईपास तिरुवनंतपुरम यहाँ से आगे हैं। कवनाड कुरिपुझा ब्रिज तिरुवनंतपुरम के पहले इरावली ब्रिज। आज दोपहर में धूप की गर्मी काफी थी तो हमने एक बंद दुकान के सामने रेस्ट लिया। आज संडे होने के कारण कोरोना लॉकडाउन था, इस कारण सभी दुकानें होटल्स बंद थी। आज दोपहर का लंच स्किप करना पड़ा। इस जगह हमें कुछ पुणेकर जो अब बैंगलोर स्थित है उनसे मुलाकात हुई। वो भारतमाला अभियान अंतर्गत इलेक्ट्रिकल बाइक की पूरे भारत में घूमकर टेस्टिंग कर रहे थे। उनसे बातें हुई, हमारी साइकिल राइड से उन्हें काफी दिलचस्पी हुई। हाँ वो बनाते हैं, वो आप ही ओके ओके बनाते नहीं है, भर देते हैं। हाँ भर देते हैं। ओके ओके हमारा वही तो हमारा भी एक इंटेंशन ट्रिप में वही है कि हम किस तरह से और बता सके कि पॉटहोल के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको बराबर। और वैसे कर्नाटक का अच्छा रोड्स है, यहाँ पे सिंगल रोड है लेकिन रोड का कंडीशन बहुत बढ़िया है। हाँ और बहुत अच्छा है, लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, कोई भी हमें ये नहीं करता है। मतलब जब क्रॉस करते हैं ना गाड़ियाँ रुकती है, मतलब नहीं तो हॉर्न बजाना चालू होता है ना, इरिटेट होते हैं लोग। हाँ लेकिन यहाँ नहीं होते। आज संडे कोरोना लॉकडाउन होने के कारण लॉज मिलना मुश्किल हो रहा था। आखिर चटनपारा पहुंचने पर रास्ते के करीब जेनित डॉर्मेट्री में रहने का प्रबंध हुआ। लॉकडाउन के वजह से आज होटलें बंद थी। शाम को छोटी सी दुकानों में से हमने ब्रेड, जैम, बटर और मिल्क यानी दूध हमने परचेज किया। मजा आया। अभी कन्याकुमारी के लिए कुछ ही दूरी पार करनी थी। टुडे इज अवर सेकेंड लास्ट डे। कन्याकुमारी को यहाँ से 127 किलोमीटर और बाकी है। हमारे सब दोस्त तैयार हुए हो रहे हैं, अभी सब खुशी में है कि हम वैसे आज हम पहुँच सकते थे लेकिन हमें जीरो माइल्स पे जो माइलस्टोन है वहाँ पे जाना है, इसीलिए हम कन्याकुमारी के पहले 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर रुकेंगे ताकि कल सुबह निकल के हम जीरो माइल्स जो माइलस्टोन है वहाँ पे हम जाएंगे। ना कॉफ़ी बना रहे हैं, इसका तरीका अलग होता है यहाँ का।
केला फ्राई है. सुबह सुबह अन्ना ने केला फ्राई बनाया. यहाँ का ये फेमस डिश है. ये ऐसे केला पूरा फ्राई किया जाता है. चंगला है. अर्तिंगल सिटी है ये. अर्तिंगल कल हम यहाँ तक आने वाले थे लेकिन इसके पहले ही हमारा रहने का प्रबंध हो गया इसीलिए यहाँ तक आना नहीं पड़ा. ये बड़ा सिटी है. अलग बंटा पुट्टू 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 अंडा करी पुट्टू. ज़्यादा जो पुट्टू खा रहे हैं ये वैसे भी इडली का एक प्रकार है. एंजॉय कर रहे हैं ये खा चुके हैं आफ्टर ईटिंग. हमने सर बोला इसके लिए किसी ने हमको बाउंसर मारा और हमारे सर की चोट आ गई. अच्छा हुआ ये खा चुके हैं. हम अभी पहुँचे हैं कन्याकुमारी की तरफ. ओनली 75 किलोमीटर है यहाँ से कन्याकुमारी और यहाँ से मुंबई 1701 किलोमीटर. आपको सामने नज़र आ रहा है 1701 किलोमीटर. बारह बज गए और इतनी धूप है और नीचे से सीमेंट का रास्ता मतलब राइड करना बहुत मुश्किल. और इस सीमेंट के रोड पे राइड करना बहुत मुश्किल होता है. तो हम यहाँ पे ये गांव का नाम क्या है. हाँ कांजीवरकुलम ये गांव के यहाँ हम अभी रुके हैं. द लस्सी विथ फ्रेश लाइम. पियो हाँ खाओ ऐसा खाओ. गारेगार ठंडगार जगास. बीच यह केरला की अनोखी जगह में से एक है जहां झील नदी समुन्दर और सागर तट एक जगह मिलते हैं. नाव में बैठकर आप इस जगह का अनोखा सफर कर सकते हैं. नाव में बैठना यहां महंगा है पर बार्गेन करना पड़ेगा तो सस्ते में मिल सकता है. पुवार आने के लिए आपको हवाई या रेल मार्ग से त्रिवेंद्रम पहुंचना होगा. फिर बाय रोड 45 मिनट में आप वार आ सकते हैं.